दोस्तों, जब से इसराइल और फलस्तीन के बीच खतरनाक जंग शुरू हुई है, तब से दुनिया भर में रहने वाले लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा इस इंसान के बारे में किया जा रहा है, मगर इस इंसान का असली नाम आज तक किसी को नहीं पता और ये इंसान दिखता कैसा है ये भी कोई भी नहीं जानता। तो आखिर कौन है ये फलस्तीनी मुजाहिद जिसके एक बयान से इसराइल जैसा मुल्क भी कांपने लगता है? और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस इंसान का कोई सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है, जिसकी वजह से इसराइल जैसा देश भी इसे आज तक ना ढूंढ सका। और जब भी इसे इसराइल या गजा से रिलेटेड कोई वार्निंग देनी होती है, तो ये शख्स अचानक से कुछ ही पल के लिए टीवी स्क्रीन पर आता है, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फलस्तीन का सबसे मशहूर मुजाहिद अबू उबैदा है। अबू उबैदा के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, और ऐसा भी दावा किया जाता है कि अबू उबैदा के कहने पर ही गजा में मौजूद सुरंगों का जाल बनाया गया था। यही वजह है कि इसराइल अबू उबैदा को खत्म करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर और लाइक करें।